इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है अपना एक और मोबाइल जिसका कि नाम है इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 मॉडल। और मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या इस फ़ोन को लेना सही होगा या नहीं, और क्या आपका पैसा डूब भी सकता है ये फ़ोन लेने के बाद। सारा कुछ डिटेल में बताएंगे इस फ़ोन का, आज इस वीडियो में ऑपरेशन करेंगे बढ़िया से। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इस फ़ोन के बॉक्स में आपको एक मोबाइल, एक बैक कवर, एक 10 वाट का चार्जर जो कि, और साथ साथ इसमें टाइप सी केबल, ये सब चीज़ आपको इस मोबाइल के बॉक्स के साथ मिल जाता है जो कि ठीक ठाक लगा। चलिए बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर का। इसमें प्रोसेसर जो है यूनिसॉक T610 लगा हुआ है जो कि एक 12 नैनोमीटर बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है और यह एक 4G प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के मामले में बहुत लो क्वालिटी का प्रोसेसर कहेंगे, लेकिन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काम चलेबुल ठीक ठाक ही कह सकते हैं इस प्रोसेसर को। बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले का, जो कि इस फ़ोन का सबसे मेन हाइलाइटिंग फीचर है, और है ही नहीं बल्कि रियली में भी लग रहा है कि नहीं डिस्प्ले ही इसका सबसे मेन पार्ट है। तो डिस्प्ले में इस फ़ोन का डिस्प्ले 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, और जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। तो इस प्राइस रेंज में 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जानकर इन्फिनिक्स के तरफ से, ये लो रेंज में इतना बड़ा डिस्प्ले और फुल HD प्लस दिया गया है। भले ही ये सुपर एमोलेड नहीं है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा बात लगा इस फ़ोन का। वहीं बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी का, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, और इसके साथ 10 वाट का एक चार्जर भी मिल जाता है जो कि ठीक ठाक लगा। वहीं बात करें इस फ़ोन में क्या 3.5 mm का जैक मिलता है, तो इसमें 3.5 mm का एक हेडफोन जैक मिल जाता है जिससे कि आप एयरफोन यूज करके सॉन्ग सुन सकते, वीडियो देख सकते, और साथ साथ अपने माइक के थ्रू आप ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है जो कि अच्छा बात लगा। वहीं बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा का, इसमें रियर में 13 MP का एक कैमरा मिलता है और 2 MP का एक डेप्थ लेंस मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में एवरेज कहेंगे बस काम चल सकता है, कैमरा बहुत डिसेंट है इस फ़ोन का। और वहीं बात करें इस फ़ोन के रियर कैमरा से, आप फुल HD में 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बात करें इसके सेल्फी कैमरा का, तो सेल्फी कैमरा में इस फ़ोन में 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और उस सेल्फी कैमरा से भी, फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD में 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो 30 FPS पे फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये अच्छा लगा, लेकिन वैसे सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये बस डिसेंट कैमरा है, बस साधारण सा कैमरा दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन का बहुत अच्छा बात लगा, बहुत खास बात लगा इस फ़ोन के साथ कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। वहीं बात करें इस फ़ोन के बेंचमार्क स्कोर का कि एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट में कितना स्कोर कर लेता है, तो एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट में यह 1,92,000 समथिंग स्कोर करता है जो कि एक बहुत डिसेंट बात लगा। इससे साफ पता चलता है इस फ़ोन का परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत साधारण होगा, लो क्वालिटी का परफॉर्मेंस ये फ़ोन देने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के सिम स्लॉट का। यह एक डुअल 4G सिम स्लॉट के साथ ये फ़ोन आता है, इसमें 2 4G सिम दोनों स्लॉट में लगेगा और सपोर्टेड है। और वहीं पे बात करें इस सिम स्लॉट का, ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, आप इसमें 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। आप 2 सिम लगाना है तो मेमोरी कार्ड को नहीं लगा पाइएगा जो कि इस फ़ोन का एक निगेटिव बात लगा। वहीं बात करें इस फ़ोन के स्टोरेज का, तो 64 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज और 4 GB का रैम मिल जाता है। और रैम टाइप का बात करें तो इसमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है जो कि अच्छा बात लगा इस फ़ोन के साथ कि इस प्राइस रेंज में 64 GB का स्टोरेज और 4 GB का रैम मिल रहा है। वहीं बात करें इस फ़ोन का वेट का, तो ये 199.6 ग्राम इसका वेट है, और इसका थिकनेस का बात करें तो वो 9.05 mm का इस फ़ोन का थिकनेस आता है जो कि ठीक ठाक है। वहीं बात करें इस फ़ोन के का पोर्ट का, इसमें कौन सा पोर्ट दिया हुआ है, तो इस फ़ोन में आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है जो कि अच्छा बात लगा इस फ़ोन के साथ।
कि ये फीचर USB टाइप सी के साथ इस प्राइस रेंज में आता है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस फोन के पॉजिटिव और निगेटिव साइड का। तो इस फोन का अगर पॉजिटिव साइड का बात करें, इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि पॉजिटिव साइड है, और एक डिस्प्ले जो कि 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, यह भी एक पॉजिटिव बात है इस फोन का। और साथ ही साथ बैटरी 5000mAh का मिलता है, और साथ साथ बॉक्स में चार्जर भी 10W का मिलता है, ये भी इस फोन का पॉजिटिव साइड है। और साथ साथ इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इस प्राइस रेंज में, तो ये भी एक अच्छा बात लगा इस फोन का। करें इस फोन के निगेटिव पार्ट का, तो इसका सबसे निगेटिव पार्ट लगा प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, तो जो कि बहुत परफॉर्मेंस बहुत लो क्वालिटी का मिलेगा। ये बस नॉर्मल यूजर के लिए ही सही है, जो कि बस फोन कॉल करें, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चैटिंग ये सब किए और वीडियो वॉच किए, बस उसके लिए ही बना हुआ ये फोन। थोड़ा भी हैवी यूज करने पे ये फोन लैग करेगा, हैंग करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा भी अगर हैवी यूजर है तो ये फोन आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और वैसे एक नॉर्मल यूजर के लिए ठीक ठाक है। और बात करें इस फोन के निगेटिव बात का, तो इसका कैमरा जो बहुत लो क्वालिटी का दिया हुआ है, कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस फोन का, एक साधारण सा कैमरा भी नहीं कह सकते, उससे भी थोड़ा कम ही कह सकते हैं इस फोन का। और वहीं बात करें इस फोन का और निगेटिव साइड का, इस फोन का एक और निगेटिव साइड है कि इस फोन का जो ब्राइटनेस है वो आउटडोर कंडीशन में बहुत ही लो क्वालिटी का, ब्राइटनेस थोड़ा और ज़्यादा मिलता तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो अब बात करते हैं ये फ़ोन किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग थोड़ा सा भी हैवी यूजर हैं वो इस फ़ोन को ना लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और वहीं बात करते हैं कि जो लोग नॉर्मल यूज करना, जिनको थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब देखना है, फ़ोन कॉल करना इस तरीके का, तो इस फ़ोन को ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बात करें इस प्राइस रेंज का में जो जो इस फ़ोन में आता है, तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ठीक ठाक कहेंगे। अगर ये 8000 के प्राइस रेंज में जो सारा फीचर है ये मिल जाता तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का होता, फिर इस प्राइस रेंज में इसके जैसा कोई फ़ोन नहीं होता अगर ये 8000 के रेंज में आ जाता। वैसे अगर डिस्काउंट करके मिलता है तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।